हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं फटाफट, चलिए कि जीएसटीआर 9C पे सॉल्यूशंस फॉर अपलोडिंग। जीएसटीआर 9C को कैसे अपलोड करना है, उसमें जिस तरह से कुछ टेक्निकल मिस्टेक्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके ऊपर हम चर्चा अभी करेंगे कि उस टेक्निकल्स प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन है, कि किस तरह से आप जेएसओन फाइल जनरेट करेंगे। हमारा टॉपिक आज मेन रूप से यही है कि जेएसओन फाइल हम किस तरह से जनरेट करेंगे, इस पे ये डिस्कस करना है हमें इस वीडियो में। इस वीडियो में चलने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे हम चलते हैं। इसमें देख लीजिए, अटेंशन ऑन बेलो पॉइंट्स, मैंने इसका सब्जेक्ट दिया कि आप सबसे पहले तो इस वीडियो की, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप इसे स्किप मत करिएगा और स्टेप बाय स्टेप देखिए कि किस तरह से मैं कहां कहां सेटिंग करता हूं ताकि जेएसओन फाइल इजिली जनरेट हो जाएगा। सबसे पहले जो आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो जो होगा उसका वर्जन, विंडो वर्जन जो है सो 7 या 7 से एवव रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो आपके पास है वो 2007 या उससे एवव रखिएगा। और ई एम साइनर आप जीएसटी पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कर लीजिए, उसका एक्सी रन कर दीजिए और उसको सही तरीके से देख लीजिए वो रन कर रहा है, ताकि आपको 9C जनरेट करने में, जेएसओन और 9C को अपलोड करने में प्रॉब्लम ना हो उस समय। साथ ही जो आपका, याद रखिएगा, जीएसटी का जो साइट खोलिएगा, ये सारा काम जो आप करिएगा इसके लिए आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का यूज करिएगा और क्रोम वगैरह का नहीं करिएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर भी जो होना चाहिए वो 10+ होना चाहिए और जावा 1.6 और एवव होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में कुछ चेंज करना होता है, उस चेंज को हम लेके चलते हैं। ये देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर ये मेरा खुला हुआ है, यहाँ पे आप टूल्स में चले जाइए, टूल्स में जाकर के आप इंटरनेट ऑप्शंस में जाइए, इंटरनेट ऑप्शन में जाकर के आप सिक्योरिटी में जाइए, सिक्योरिटी में जाकर के आप कस्टम लेवल पे क्लिक करिए। कस्टम लेवल पे जाके यहाँ पे दो चीज को हमें एनेबल करना है। ये दो चीज क्या है ये हम देखते हैं। पहला चीज है ऑटोमेटिक प्रॉम्प्टिंग फॉर एक्टिव एक्स कंट्रोल्स, ये एक फर्स्ट चीज है जिसे आपको एनेबल करना है। ऑटोमेटिक प्रॉम्प्टिंग फॉर एक्टिव कंट्रोल, इसको आपको एनेबल कर देना है। इसके बाद एक दूसरा पॉइंट और इसमें आता है, वो क्या है इसे हम देखते हैं। दूसरा जो है वो है अपने को करने के लिए, ये इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा सा, इसमें देखिए डाउनलोड अनसाइंड एक्टिव एक्स कंट्रोल, ये देखना है डाउनलोड अनसाइंड एक्टिव एक्स कंट्रोल, ये देखिए डिसेबल किया हुआ है, इसे एनेबल कर दीजिए। इसे एनेबल करके इसको ओके कर दीजिएगा कि ये आपका सिस्टम सही हो जाएगा। अब हम आते हैं पॉइंट पे। इसके बाद सबसे मेन पॉइंट अब जेएसएन का काम शुरू होता है। इसमें आपको क्या करना है कि जब आप यूटिलिटी ऑफलाइन डाउनलोड करिएगा तो उसमें 4 फोल्डर्स होते हैं, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। इससे रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट हैं, वो ध्यान रखिएगा। जीएसटीआर 9C का जो ऑफलाइन यूटिलिटी आप डाउनलोड करिएगा वो लेटेस्ट वर्जन करिएगा पोर्टल से, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही जब आप इस यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेते हैं तो उसे कहाँ रखना है, लोकल डिस्क पे, यानी कि कंप्यूटर में ही रखिएगा, कोई सीडी कोई पेन ड्राइव वगैरह में नहीं रखना है। अब हम एक बार आपको दिखाते हैं, ये रहा ऑफलाइन यूटिलिटी, यहाँ पे आपके पास आएगा, मैं एक बार बैक से आपको दिखाता हूं, ये देखिए इस तरह से आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। ये इसको डाउनलोड होने के बाद जीप फाइल जब डाउनलोड हो जाएगा तो जीएसटीआर 9C, इसमें मैंने आपको बताया इसमें 4 फाइल होता है, 4 फाइल में एक इंपॉर्टेंट फाइल है, उस फाइल को साथ छेड़छाड़ मत करिए। उस फाइल का नाम है WSWAV फाइल। ये WSWAV फाइल HTML जो फाइल है ये इसी फोल्डर में रहेगा। कई लोग क्या कर रहे हैं कि जीएसटीआर 9C ऑफलाइन यूटिलिटी का जो ये एक्सेल सीट है उसे यहां से निकाल लेते हैं, नहीं, इसे आपको नहीं निकालना है, इसी फोल्डर में रहेगा। और इस पूरे फोल्डर को, आप जीप फाइल को, यूटिलिटी को आप अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लीजिए और इसी में सारा कुछ रखना है।
उसके बाद आपको आगे की बात मैं बता रहा हूं, उसमें क्या है कि अगली पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, जो ईएम साइनर होगा वो एच रन करेगा एडमिनिस्ट्रेटर, और ये ध्यान रखना है कि जिससे आप जिस सिस्टम पे आप ईएम साइनर आपका सही तरीके से चल रहा है, अगर मान लीजिए आपने डाउनलोड किया और कोई इशू चल रहा है तो दूसरे सिस्टम पे कर लीजिए, आप अपने आईटी पर्सन से हेल्प ले लीजिए, और जिसपे आप हर महीने, ये कोई नया तो है नहीं क्योंकि जिस दिन जीएसटी आया उसी समय से ईएम साइनर चल रहा है, तो हर महीने जिससे आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं, जो यूज किया हुआ यूटिलिटी है उसी को यूज करिएगा, और जितना भी आप फाइल करिएगा, अब यहां देखिए ये GSTR 9C ऑफलाइन है, इसे आप ऑन कर लीजिए, ओपन करिएगा जब इस ऑफलाइन एक्सेल फाइल को, तो आपके सामने एक एक्सेल खुल के आएगा, ये इस एक्सेल, सॉरी ये एक्सेल आपको आएगा कहां से, GSTR 9C ऑफलाइन, ये रहा ये एक्सेल खुल गया अपना। इस एक्सेल में आपको ध्यान रखना है क्या कि जितना चीज आप करिएगा, जैसे ये होम पेज है आप इस पे आ जाइए, जितना चीज आप इसमें भरिएगा फाइल करिएगा उसको वैलिडेट सीट जरूर करिए, जैसे अगर मैं वैलिडेट करूंगा तो इसमें कुछ भरा नहीं है इसलिए ये रेड कर देगा, फिर इसको है इसको भी वैलिडेट करिएगा, वैलिडेट करना मत भूलिएगा, जो मैंडेटरी पॉइंट होगा अगर वो आप नहीं भरिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ऑब्जेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इस यूटिलिटी में इजिली हर स्टेप को सेव, सेव का मतलब जैसे इनकम टैक्स में आप वैलिडेट करते हैं वैसे वैलिडेट करते रहना, साथ ही जो जो ऑडिटर्स हैं वो अपना पैन, जिनका पैन नंबर मेंशन है GSTR 9C में, वो अपना डिजिटल सिग्नेचर अटैच करेंगे जेसॉन फाइल जनरेट होने से पहले, ये ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आपको ले चलता हूं ट्यूटोरियल पे, इसमें एकदम स्लोली करना है, सिस्टम पूरा कंप्यूटर आपका उसी पे रखना है, उसमें कोई आगे पीछे मत करिएगा, ये नहीं कि कुछ चीजें हम पेन ड्राइव में ले लिए, कुछ कहीं ले लिए, कुछ कहीं लिए, नहीं वो सब कुछ ने एक जगह आपको रखना है, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कि जेसॉन फाइल कैसे जनरेट होगा, इसके लिए क्या करना है, जनरेट जेसॉन फाइल टू अपलोड GSTR 9C डिटेल टू GST पोर्टल। एक बार मैं आपको फिर से लेके चल रहा हूं एक्सेल सीट पे, इस एक्सेल सीट पे जब ये सारा सीट आप भर लोगे, ये सारे सीट वर्किंग करने के बाद इस होम पे आपको आना है, होम पे आने के बाद ये देखिए यहाँ पे जेनरेट जेएसओन फाइल टू अपलोड GSTR 9C डिटेल्स ऑन GST पोर्टल, यहां जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप खुलेगा, ये हमारा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये खाली है, कोई भी फाइल, कोई भी कॉलम, कोई भी रो, कोई भी टेबल फील नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं होता, ये तो मैंडेटरी फील्ड को भरने के बाद ही होगा। तो अब हम आते हैं आपको लेके चलते हैं पोर्टल पे, इसमें अब आपको क्या करना है कि जब यहां पे आप क्लिक करिएगा तो आपके सामने एक सेव का बटन आएगा, यहां पे जो सेव करना है वहां पे भी मैं अब आपको एक छोटी सी चीज फिर दिखाता हूं, जो वो सेव करना है उसको इस विंडो में करना है, इसी जिप फाइल में जहां पे आप इसको रख रखे हो, ये ऑफलाइन टूल जहां पे है जिस फोल्डर में है WSWebHTML, यहीं पे सबको आप सेव रखिए, जितने भी इसमें आएंगे सेव करने के ऑप्शन, ये सेव करने के बाद यहां भी देखिए ट्यूटोरियल में भी लिखा है कि जहां पे WSWEB एंड GSTR 9C ऑफ यूटिलिटी शुड बी इन सेम फोल्डर टू जनरेट द जेएसओन, दोनों सेम जगह पे होना चाहिए, सेम फोल्डर में होना चाहिए, WSWEB और GSTR 9C ऑफलाइन यूटिलिटी दोनों एक फोल्डर में होना चाहिए। जब आप इसे करिएगा तब आपके सामने इसके बाद एक फिर पॉपअप विंडो खुल के आएगा, और उस पॉपअप विंडो में रहेगा
ऑन पॉपअप विंडो के सबसे नीचे में स्क्रीन के अलाउ ब्लॉक कंटेंट, ये रहा अलाउ ब्लॉक कंटेंट, इसको आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है माउस से या अब जब आप इसको क्लिक कर दीजिएगा इस बटन को, तो क्लिक करने के बाद फिर आपके पास एक विंडो खुल के आएगा जहां पे आएगा साइन करने के लिए ईएम साइनर से। यहां पे तीन स्टेज होता है, इनिशिएट साइनिंग, ओपन ईएम साइनर और ईएम साइनर टूल विल ओपन काइंडली साइन, तीन स्टेप होगा। इस तीन स्टेप में सबसे पहले आपको करना है इनिशिएट साइनिंग, यानी जब आप इनिशिएट साइनिंग का बटन पुश करिएगा तो आपको एक अलर्ट का मैसेज पॉपअप खुल के आएगा कि आप रेडी हो साइन करने के लिए, आपको क्या करना है ओके कर देना है जी। ओके करने के बाद ये ईएम साइनर का जो पॉपअप है, ये ओपन ईएम साइनर, ये खुल के आएगा। ये खुल के आएगा मतलब क्या, आपके सामने सारे साइनिंग ऑथोरिटी साइनिंग जो हैं, जिनका आपका डीएससी है, जिस नाम से जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी हैं जो साइन करते हैं, उनका नाम आपके सामने आ जाएगा। उसे आपको सेलेक्ट करके सर्टिफिकेट को साइन का बटन दबा करके साइन जब आप कर दीजिएगा, यानी कि ओके जब आप कर दीजिएगा, तब ये क्या होगा, साइनिंग इज कंप्लीट, क्लिक ओके टू रीडायरेक्ट टू ऑफलाइन टूल, यहां लिखा के आ जाएगा ये पॉपअप। अब इसे जब आप ओके का बटन दबाएंगे तो ये विंडो आपके सामने लास्ट में खुल के आएगा कि ये फाइल कहां सेव हो रहा है, वो पाथ यहां पे आ जाता है कि कहां पे जाके हो रहा है। तो ये पाथ आपको ध्यान रखिएगा, यहीं पे दीजिएगा, इसी में देना है। उसके बाद ये आपका रेडी हो गया। जब अब आपका ये रेडी हो गया तो आपको क्या करना है, अब इस जेसोन फाइल को बन गया है, बन चुका है, अब आप इसे फाइल कर सकते हैं खुद से या सीए से, जैसे आपको, या आपका कोई और एक्सपर्ट आदमी हो जिसे सही तरीके से कंप्यूटर वगैरह आता हो, उनसे आप इसे फाइल करवा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था दोस्तों, इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि अभी दिक्कतें हो रही है। साथ ही आपको बता दूं जीएसटीआर 9989C का लास्ट डेट 31 अगस्त 2019 है, तो आप उससे पहले जल्दी से जल्दी फाइल कर लीजिए ताकि आप टाइम से कर सकते हैं। जीएसटी 9989C यानी एनुअल रिटर्न से रिलेटेड कोई भी आपके पास क्वेरी हो तो आप हमें इस मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं ramram83prakash@gmail.com पे। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8448610923 पे भी। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।